तीन आंख वाली जादुई भूतिया गाय। रात का समय था, गांव के सभी लोग अपने घर में सो रहे थे। तभी कौशल्या नाम की एक औरत थोड़ा सा चारा लेकर आती है और अपने घर के बाहर रख देती है। कुछ देर में वहां एक भूतिया गाय का बच्चा आता है, जिसके शरीर पर बहुत सारी चोटों के निशान और उसकी तीन आंख होती है। वो वहां आते ही चारा खाने लगती है, जिसके बाद कौशल्या अपने घर से एक जिंदा गाय को लेकर आती है और वो तीन आंख वाला भूतिया बच्चा उस गाय के पास जाकर उसे प्यार करने लगता है, जिसके बाद उसकी एक आंख में से सोना निकलता है और दूसरी आंख से हीरे निकलते हैं और तीसरी आंख से पैसे निकलने लगते हैं। अरे मेरी बुलबुल, आज तेरे ही कारण हमारी परेशानियां खत्म हुई हैं। अगर तू ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। कौशल्या की ये बात सुनकर भूतिया तीन आंख गाय वाला बच्चा अपनी गर्दन हिलाने लगता है, जिसके बाद कौशल्या सारे पैसे और सोना इकट्ठा करके अपनी गाय को अपने साथ अंदर ले जाती है और वो भूतिया तीन आंख वाला गाय का बछड़ा वहां से गायब हो जाता है। लेकिन ये सब गांव में रहने वाला एक पप्पू नाम का लड़का देख लेता है, जिसे गांव की चुगलियां इधर से उधर करने में बहुत मजा आता था। अगले ही दिन सुबह उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और गांव वालों से कहा, अरे गांव वालों, अरे देखो इस औरत को, ये वही औरत है जिसके घर पर तीन आंख वाले बछड़े ने जन्म लिया था। कल रात ही मैंने इस बछड़े की भटकती हुई आत्मा को इसके घर पर जाते हुए देखा। ये औरत इस गांव की भलाई के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसे यहां से भगा दो। आए हाय 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 हाय, मैं तो कहती थी ये औरत हमारे गांव के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जब से मैंने इसके घर पर तीन आंख वाले गाय के बच्चे को देखा था, तब से ही मुझे इसके चाल चलन ठीक नहीं लग रहे थे, और वो भी अमावस्या वाली रात के दिन। अरे गलती भी हमारी है जो हमने इसे गांव से अभी तक निकाला ही नहीं। एक काम करो गांव वालों, आज इस औरत को इस गांव से निकाल ही दो, वरना ये कब डायन किसका घर खा जाए कुछ पता नहीं है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, कल मैंने रात उस तीन आंख वाली गाय के बच्चे की आंख से हीरे सोना पैसे निकलते हुए देखा था, यही कारण है इसके एकदम से अमीर होने का। पप्पू की ये बात सुनकर गांव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी गुस्से में आकर कौशल्या के घर पर जाकर उसका दरवाजा पीटने लगते हैं। अरे डायन अंदर क्यों चुप कर बैठी है, बाहर निकल। बाहर आती है या फिर हम लोग तेरा दरवाजा तोड़कर अंदर आएं और तेरी खाल उतारें। तभी कौशल्या दरवाजा खोलती है और गांव वालों से कहती है, क्या हुआ तुम लोगों को, मेरे दरवाजे पर खड़े होकर तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो। तभी एक देवयानी नाम की औरत कौशल्या के बाल पकड़कर उसे बाहर खींच लेती है और उससे कहती है, अरे डायन है तो डायन, तूने तो जरा भी इस गांव की नहीं सोची। अरे तू इस तरह कैसे कर सकती है, एक गांव में रहकर तुझे जादू टोना की विधियां करते हुए शर्म नहीं आती। क्या कहा, जादू टोना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। अरे मैं क्यों तुम्हारे ऊपर जादू टोना करूंगी। बस बस ज्यादा साफ सुथरी बनने की कोशिश मत कर, हम सब तेरे बारे में जानते हैं, तू एक काला जादू करने वाली है, लेकिन अब तू इस गांव में नहीं रह सकती, अभी के अभी यहां से निकल जा। ऐसा कहकर शकुंतला के साथ गांव के सभी लोग कौशल्या को धक्के मार कर गांव से बाहर निकाल देते हैं। साथ ही साथ कौशल्या अपने साथ अपनी गाय को भी ले जाती है। गांव से निकलने के बाद वो दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद कौशल्या अपनी गाय से कहती है, इमरती आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, सब लोग मेरे साथ बुरा क्यों कर रहे हैं। हमारी बुलबुल को भी किसी ने मार दिया, लेकिन अभी तक मुझे ये भी नहीं पता कि हमारी बुलबुल को मारा किसने। अपनी मालकिन कौशल्या को रोते हुए देख उसकी गाय इमरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद कौशल्या जंगल के टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रात होते होते एक बहुत ही भयानक तीन आंख वाली भूतिया गाय का बच्चा जंगल में कौशल्या की झोपड़ी के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे बुलबुल तू आ गई, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, मैंने तेरे लिए ये चारा इकट्ठा किया है, ये ले इसे खा ले। तीन आंख वाली भूतिया गाय का बच्चा कौशल्या का दिया हुआ चारा खाने लगता है, जिसके बाद कौशल्या उस गाय के बच्चे की माँ को उसके सामने लेकर आती है, जिसके बाद तीन आंख वाली भूतिया गाय का बच्चा अपनी माँ को प्यार करने लगता है। लेकिन जो गांव वालों ने उसकी गाय माँ इमरती और कौशल्या के साथ किया, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि भूतिया तीन आंख वाली गाय की माँ और कौशल्या उसका पूरा परिवार था, जिसको तकलीफ में देखकर गाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इन लोगों ने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं इन्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन इन्होंने जो मेरी माँ और मेरी मालकिन के साथ किया है उसके लिए मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती, अब मैं इन सबको जान से मार दूंगी। इतना कहकर तीन आंख वाला भूतिया गाय का बच्चा गांव की ओर निकल जाता है, जिसके बाद उसके सामने जो भी आता वो उसे मार देती।
ऐसे ही चारों तरफ लोगों की भगदड़ मच जाती है और भूतिया गाय एक एक करके सबको मारने लगती है। जिसने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया है, मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। जिस तीन आंख वाली गाय की तीनों आंखों से सोना, पैसे, हीरे निकला करते थे, वहीं उसके गुस्से के कहर में उसकी तीनों आंखों से आग के शोले निकलने लगे, जिसमें जलकर गांव के लोग मरने लगे। चारों तरफ तीन आंख वाली भूतिया गाय का कहर मचने लगा। कोई नहीं बचेगा, तुम सबको मार दूंगी और अपना बदला लेकर रहूंगी। गाय उन्हें मार ही रही होती है कि उसी समय वहाँ एक देवी प्रकट होती हैं, जो भूतिया तीन आंख वाली गाय से कहती हैं, ये तुम क्या कर रही हो? बस करो, तुम्हें शक्तियाँ इसलिए नहीं दी गई थी कि तुम उसका दुरुपयोग करो। देवी माँ, आप कैसे भूल सकती हो, इस गांव के लोगों ने मुझे मेरी शक्तियों की वजह से जंगल में ले जाकर मार दिया था। मैं अपनी माँ से बिछड़ गई थी और अपने परिवार से भी, जिसकी वजह से मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं यहाँ वहाँ भटकने लगी। लेकिन फिर भी मैंने गांव वालों को नुकसान नहीं पहुँचाया और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखा, लेकिन इन्होंने मेरे परिवार को भी गाँव से निकाल दिया। अब मैं इन्हें कैसे छोड़ दूँ? तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम इस गांव को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि तुम्हें अच्छाई के लिए यहां भेजा था। कुछ लोगों की वजह से तुम पूरे गांव को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उन लोगों की करनी का फल उन्हें जरूर मिलेगा। तुम वही करो जिसके लिए तुम्हें भेजा गया था। तभी देवी माँ तीन आंख वाले गाय के ऊपर एक रोशनी प्रकट करती है, जिसकी वजह से वो पहले की तरह जिंदा हो जाती है। देवी माँ, जो हुआ मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। आज से मैं फिर कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करूँगी और अपनी शक्तियों से मैं हमेशा लोगों की मदद ही करूँगी। तभी तीन आंख वाली गाय गांव के हर एक गरीब के घर के आगे अपनी तीनों आंखों से सोना, हीरे, पैसे निकाल कर रख देती है, जिसकी मदद से गांव के गरीब लोग अपनी जीवन की कुछ परेशानियों को ठीक कर लेते हैं। देखते ही देखते वो गांव बहुत खुशहाल गांव बन जाता है, जहां किसी को थोड़ी सी भी परेशानी नहीं थी। टॉयलेट में चुड़ैल का साया। आए हाय, छी छी छी, इन इंसानों ने भी मेरे इस टॉयलेट को कितना गंदा कर दिया है। मन तो करता है बंदर के जैसे मार मार कर इनका पिछवाड़ा लाल कर दूं। चुड़ैल ये बोल ही रही थी कि तभी एक आदमी एक लोटा लेकर उस टॉयलेट में गाना गाते हुए आ रहा था। आज से तेरा टॉयलेट मेरा हो गया, आज से मेरा घर तेरा हो गया। उसे देखकर चुड़ैल बोलती है, अच्छा तो एक मुर्गा और आ गया, इसको नहीं छोड़ूंगी। इन इंसानों ने मेरे इस टॉयलेट को बहुत ही ज्यादा गंदा कर रखा है। ये टॉयलेट सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इनको मैं यहाँ पर पॉटी करने देती हूँ तो ये सोचते हैं कि ये इनके बाप का माल है। मुझे पता है ये मेरे टॉयलेट को सही से साफ करके नहीं जाएगा। अब मैं इस टॉयलेट के साथ साथ इसका भी सफाया कर दूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल गायब हो जाती है और तभी वो आदमी लोटा लेकर उस टॉयलेट के अंदर चला जाता है और पॉटी करने लगता है। पॉटी करने के बाद जब वो टॉयलेट के फ्लश को नहीं दबाता और सीधा दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ जाने लगता है, जैसे वो आदमी टॉयलेट का दरवाजा खोलता है कि तभी उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर वो आदमी बहुत डर जाता है और डरते हुए बोलता है, कौन है, कौन है रे, हमका इस तरह डराए रहा है, कौन है? तुम्हारी मौत तो का आवाज लगाए रही है, कहे कि तू यहाँ पर पॉटी करके जा रहा है, लेकिन तूने फ्लश को नहीं दबाया, यही खातिर तो का अब हम मौत के घाट उतार दे। इतना कहकर वो चुड़ैल उस आदमी के सामने भयंकर रूप में प्रकट हो जाती है और उसको अपनी भूतिया शक्ति से टॉयलेट के होल में खींच कर ले जाती है। उस आदमी का लोटा टॉयलेट के बाहर गिर जाता है और वो आदमी उस टॉयलेट के अंदर गिर कर मर जाता है। ये देख कर चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, इन लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा दुखी कर दिया है। रात के समय जो भी इस टॉयलेट में शौच करने आएगा, मैं उसको इस टॉयलेट में जिंदा दफन कर दूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल अपने आप गायब हो जाती है और अगली सुबह उस आदमी की पत्नी देखा हर जगह अपने पति को ढूंढती हुई रोते हुए सभी का दरवाजा खटखटाती है
और बोलती है, भीमा भैया, आपने मेरे पति को कहीं देखा है क्या? वो रात से ही मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं बहन, मैंने तुम्हारे पति को नहीं देखा। रेखा रोते हुए उस टॉयलेट के पास जा पहुंचती है, जहां वो अपने पति का लोटा टॉयलेट के बाहर गिरा हुआ देखती है। वो ये देखकर रोते हुए बोलती है, हे भगवान, आखिर मेरे पति को इस चुड़ैल ने मार दिया। भगवान जाने इस चुड़ैल का हम लोगों ने आखिर क्या बिगाड़ा है, जो ये हम सभी को इस तरह भयानक मौत दे रही है। रेखा उस टॉयलेट के पास ही बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और इस तरह रात हो गई और रेखा की आंख लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ वो चुड़ैल एक बार फिर हंसते हुए उस टॉयलेट के होल में से बाहर निकलती है और बोलती है, आज एक बार फिर मैं इस टॉयलेट में किसी न किसी इंसान को मार दूंगी। मैं अपनी मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर रेखा की आंखें खुल जाती हैं। वो टॉयलेट के अंदर जाने के लिए टॉयलेट का दरवाजा जैसे ही खोलती है, वैसे ही वो वहां खुद के सामने एक भयानक चुड़ैल को पाती है। वो उस चुड़ैल को देखकर रोते हुए कहती है, अच्छा तो तू ही वो चुड़ैल है जिसने मेरे पति को मार डाला। तूने मेरे पति को मार दिया है। इस दुनिया में मेरा मेरे पति के अलावा कोई भी नहीं था। तूने तो वो भी मुझसे छीन लिया। तो मुझे क्यों जिंदा रखा है तूने? तुम मुझे भी मार दे। ठीक है, मैं तुझे तेरे पति के पास अवश्य पहुंचाऊंगी। मैं तेरी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल एक बार फिर रेखा को हवा में उड़ा देती है और टॉयलेट के होल में खींच कर ले जाती है। इस तरह अब रेखा भी अपने पति के जैसे मर जाती है। गांव में अब धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे थे। दिन में अगर कोई उसे टॉयलेट में टॉयलेट करने आता तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन रात के समय अगर कोई टॉयलेट करने के लिए जाता तो वो चुड़ैल उसे जिंदा नहीं छोड़ती। इसलिए रात के समय लोगों ने टॉयलेट जाना ही बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ठीक उसी तरह रात के समय अगर किसी को इमरजेंसी होती तो वो उसी टॉयलेट में जाया करता, क्योंकि उस गांव में एक ही टॉयलेट था। धीरे धीरे अब गांव में लोगों की संख्या कम होने लगी। ये देखकर गांव का मुखिया अपने गांव वालों से बोलता है, हमारे गांव में अब धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं। इस चुड़ैल ने तो अब बहुत ही ज्यादा आतंक फैला दिया है। इस चुड़ैल का राज हमें पता लगाना ही होगा। हमें इस चुड़ैल से एक बार बात करनी ही होगी। परंतु मुखिया जी, हम इस चुड़ैल से बात कैसे करेंगे? मैंने तो सुना है रात के समय कोई भी उस टॉयलेट के पास भटकता है तो वो चुड़ैल उसे टॉयलेट के अंदर घसीट कर ले जाती है और उसे मार देती है। लेकिन अगर हमने अपनी मौत का खौफ उस चुड़ैल के सामने दिखाया तो वो चुड़ैल एक ना एक दिन हमारे पूरे गाँव को खाली कर देगी। उस चुड़ैल के साये से हमें मुक्ति पानी ही होगी। सभी गांव वाले मुखिया की बात से सहमत होते हैं और मुखिया के साथ रात के समय उस टॉयलेट के पास चले जाते हैं, जहां मुखिया लोटा लेकर उस टॉयलेट को एक बार फिर खोलता है। और जैसे ही मुखिया टॉयलेट का दरवाजा खोलता है कि तभी उसके सामने एक भयानक खौफनाक चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल मुखिया से बोलती है, आज मुखिया तू भी मेरे पास आ जा। तू क्या यहाँ जो भी तेरे पीछे पीछे है, पूरा गाँव आया है, उन सभी को अपने साथ बुला ले। चुड़ैल की ये बात सुनकर मुखिया हक्का बक्का रह जाता है और वो सोचता है, अरे इस चुड़ैल को कैसे पता चला कि मैं पूरे गांव वालों के साथ यहाँ पर आया हूँ? मुखिया, मुझे तो ये बात भी पता है कि तू इन सभी गांव वालों के साथ मेरा राज पता करने आया है। तू मुझसे मेरा सच पूछेगा? अरे ये मेरे मन की बात कैसे सुन ले रही है? मुखिया, मैं एक शक्तिशाली चुड़ैल हूँ। मैं तेरे मन की क्या, मैं इस पूरे गांव के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी बता सकती हूँ। तुझे क्या लगा तू यहाँ पर अनजान बनकर आएगा और मैं तुझे नहीं पहचानूंगी? तुझे मेरा सच जानना है ना, तो सुन। कुछ साल पहले की बात है, मैं इसी गांव में रहती थी। मेरा नाम रागिनी था और मैं एक टॉयलेट साफ करने वाली महिला थी। सभी लोग मुझसे घिन किया करते थे क्योंकि मैं एक टॉयलेट साफ करने वाली महिला थी। मैं दिन भर काम करके इधर से उधर भटकती और जब रात के समय अपने घर आती तब मुझे ये गांव वाले बोलते, छी छी छी, देखो तो कितनी गंदी महिला आ गई है, ये तो लोगों की पॉटी साफ करती है। छी, इसके हाथ से तो कुछ खाना पीना भी दुश्वार है। पता नहीं ये खुद के हाथ से खाना कैसे खा लेती है। भैया, यहाँ पर कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, काम तो काम होता है। अगर आप कोई काम करते हैं और अगर आपको कोई इस तरह बोलेगा तो आप क्या करेंगे? उसकी बातों का जवाब वो नहीं देता और इस तरह रागिनी वहाँ से चली जाती है।
उस आदमी को अपनी इंसल्ट फील होती है और रात के समय वो आदमी रागिनी के घर में आता है और तकिए से उसका मुंह दबा देता है। सांस न लेने की वजह से रागिनी अब अपना दम तोड़ देती है। उसको मरा हुआ देख वो आदमी उसे उठाकर उस टॉयलेट में ले जाता है और उसे टॉयलेट में गाड़ देता है। तब से ये टॉयलेट मेरा घर बन चुका है। दिन के समय तो मैं किसी को कुछ नहीं करती, लेकिन रात के समय इधर जो भी गंद मचा कर जाता है मैं उसे मार देती हूँ। मैं मानता हूँ कि तेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन तू यहाँ पर किसी को इस तरह नहीं मार सकती। चल ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, क्या तुझे मंजूर है? मुझे तुम्हारी एक नहीं बल्कि दो शर्त मंजूर है, क्योंकि मैं अपने गाँव वालों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सारी शर्तों को भी पूरा कर सकता हूँ। मैं तभी जाऊंगी जब तुम सभी गांव वाले शौचालय को साफ रखोगे। जिस दिन मुझे ये शौचालय गंदा दिखा, उस दिन मैं यहाँ पर आकर एक बार फिर मौत का तांडव मचा दूंगी। चुड़ैल ये बोल ही रही थी कि तभी सभी गांव वाले वहाँ आ जाते हैं और मुखिया के साथ साथ गाँव वाले भी चुड़ैल की बात से सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद सभी गाँव वाले अब उस टॉयलेट को एकदम साफ सुथरा रखने लगते हैं और खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। इस तरह अब उस गांव में रात के समय ना तो किसी की मौत हुई और ना ही वो चुड़ैल किसी को नजर आई। बर्फ में रहने वाली चुड़ैल। हेमंत बर्फ की बड़ी सिल्ली खरीद कर उसको अपनी साइकिल पर कस कर बांध कर चल पड़ता है। आज तो बड़े सस्ते में निपट गया, इतने कम कीमत में इतनी सारी बर्फ की ढेली मिल गई। वह बर्फ की सिल्ली से लदी साइकिल तेजी से खींचते हुए छोटा रास्ता जान पड़ने पर एक सुनसान जंगल से घर की तरफ जाने लगता है। तभी जंगल से निकलकर एक चुड़ैल अपने शरीर को खुजाते हुए कहती है, हाय रे कितनी गर्मी है, कहाँ जाऊँ, मेरा जंगल तो थार मरुस्थल बन गया है। चुड़ैल की खौफनाक नजर बर्फ की सिल्ली से टपक रहे पानी की बूंदों पर पड़ते ही वह मकड़ी की नाई रेंगते हुए बूंदों को पीकर कहती है, आहा, दो बूंद जिंदगी की, वाह, बर्फ तो बड़ा सुकून दे रहा है। चुड़ैल के बुदबुदाने की आवाज सुनकर हेमंत पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो कहता है, ये आवाज कैसी थी, हो सकता है कि गर्मी से बर्फ की सिल्ली से पानी की बूंदें टपक रही हो। आवाज को नजरअंदाज करके वह दोबारा से साइकिल चलाने लगता है। तभी चालाक चुड़ैल उसकी बर्फ की सिल्ली पर सवार होकर कहती है, आजा मेरे राजा, तुझे फिल्म दिखाऊं मैं बर्फीली बर्फीली बारी में फायर लगाऊं, अब तो मैं इसी बर्फ की वादियों में रहूंगी। फिर चुड़ैल बर्फ की सिल्ली के अंदर समा जाती है। हेमंत घर आकर बर्फ को एक कोने में रख देता है और खा पी कर जमीन पर चादर बिछाकर सो जाता है। आधी रात वह खुद को भीगा महसूस करता है तो अचानक उसकी आँख खुल जाती है तो वह देखता है कि बर्फ की सिल्ली पिघल कर पूरे घर में फैल गई है, जिसके बाद माथे पर हाथ धरकर कहता है, हे राम, इस बर्फ ने तो बाढ़ का रूप धारण कर लिया है। फिर वो पूरा घर साफ सुथरा करने के बाद घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, पानी से शराब और इस गीले बिछौने पर नींद तो आने से रही, भोर के 4 बज गए हैं, क्यों ना इस बर्फ की सिल्ली को तोड़कर छोटे टुकड़े कर लूं, सुबह बेचने में आसानी होगी। वह बर्फ तोड़ने के औजार से जैसे ही बर्फ की सिल्ली पर वार करता है, चुड़ैल गुस्से से बौखला कर बाहर निकल कर बोलती है, तेरी मजाल कैसे हुई इस बर्फ को तोड़ने की, मरेगा, अब तू मरेगा। चुड़ैल अपनी आंखों की शक्ति से उस औजार को हवा में उछाल कर हेमंत के गर्दन पर भोंक देती है और वह करहाते हुए कहता है, अरे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरी जान जा रही है। इससे पहले कि कोई इस मुर्दे को देखे, मुझे इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा, क्यों ना मैं इसको बर्फ में ही बदल डालूं। चुड़ैल उसकी लाश को बर्फ में बदल कर अपने बर्फ की सिल्ली में शामिल कर लेती है और उसमें समा जाती है। कुछ वक्त बाद सुबह हो जाती है, तब मीठी कहती है, अरे उठ भी जाओ जी, और कितनी नींद मारोगे, सूरज सर पर चढ़ गया है। अरे भगवान, मेरे कानपुर में हड़ताल नहीं जो भोपू की तरह बजे जा रही हो। जाओ जाकर हेमंत भैया से बर्फ खरीद लाओ, वरना बर्फ के गोले कैसे बेचोगे। महेंद्र हेमंत के घर जाकर उसका दरवाजा पीटते हुए कहता है, दरवाजा खोलो हेमंत भाई, खोलो दरवाजा। अरे हेमंत भाई कहाँ हो। लाख आवाज लगाने पर भी कोई बाहर नहीं आता। फिर वह देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और वह अंदर घुसकर कहता है, अरे ये घर पर नहीं है, बाकी दिन तो सवेरे के 5 बजे हमारे घर पर धरना दे देते थे, आज है कहाँ आखिर ये।
कुछ देर बैठकर इंतजार करने के बाद वो कहता है, अब और इंतजार नहीं कर सकता, बर्फ की घिसाई में भी वक्त लगता है, खुद ही बर्फ तोड़कर ले जाता हूँ। महेंद्र बर्फ तोड़ने के औजार को उठाकर जैसे ही बर्फ की सिल्ली के पास आता है कि घर का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और खिड़कियां जोर शोर से चटकने लगती हैं। घर में खौफनाक अंधेरा छा जाता है जिसे देख वह कहता है, अचानक दिन दहाड़े घर का माहौल एकदम से भूतिया होकर रात में कैसे छा गया। फिर बर्फ की सिल्ली तेजी से पिघलकर खून में बदलकर पूरे जमीन को सराबोर कर देती है, जिसके बाद चुड़ैल बर्फ से बाहर आकर भड़कते हुए कहती है, अब तू भी मरेगा, तूने मेरी शांति भंग की है। अरे राम, ये कैसी चुड़ैल है जो बर्फ से बाहर कूद पड़ी। क्यों, गर्मी सिर्फ तुम इंसानों को लगती है, हम चुड़ैल में जान नहीं है, हमारे अंदर भी धधकती आग भड़कती है। अरे कितनी ज्वालामुखी भरी पड़ी है तेरे अंदर चुड़ैल, जो इसमें समाई बैठी है। ये मेरा बर्फ घर है, ये बर्फ मेरा घर है, जो भी इसको तोड़ेगा वो मरेगा। चुड़ैल उसको मारकर बर्फ में बदलकर उसे अपने बर्फ के घर में शामिल करते हुए कहती है, ये कमीने गांव वाले मुझे मेरे बर्फ के आशियाने में सुकून से जीने नहीं दे रहे, इन्हें एक एक करके ढेर करना ही होगा। तकरीबन दो दिन गुजर जाते हैं। चुड़ैल उस घर में आने वाले हर शख्स को मारकर उसे अपनी बर्फ की सिल्ली में बदल देती। ये खबर पूरे गांव में दहशत की तरह फैल जाती है और गांव के लोग एक रात इस विषय पर चर्चा करते हुए कहते हैं, हरी काका, दो दिन में ही उस बर्फीली चुड़ैल ने गांव के आधे लोगों को ढेर कर दिया है। कल मैंने अपनी आंखों से वो खौफनाक मंजर देखा, कैसे उसने महेंद्र को मारकर बर्फ बना दिया। पर ये बर्फ वाली चुड़ैल हमसे क्या चाहती है? हमें तो उसी घड़ी समझ जाना चाहिए था जब गांव के जेठ अषाढ़ में पड़ने वाली कड़कती गर्मी पूस के जाड़े में बदलने लगी थी। क्या मतलब? एक चुड़ैल जब शक्तिशाली होती है तो वो अपनी बुरी शक्तियों से मौसम पर भी कब्जा करके उसे भी बदल सकती है। मतलब गांव में पिछले दो रातों में जो मौसम ठंडा होकर बर्फीला कोहरा बरसा रहा है वो इस बर्फीली चुड़ैल के कारण है। लेकिन इसका कोई समाधान तो होगा। समाधान तो है पर ये बहुत कठिन है। समाधान बताइए काका। हमें इस चुड़ैल के साथ चतुराई से काम लेना होगा। हमारे गांव का मंदिर है यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर। ये चुड़ैल हमको वहाँ तक पहुँचने नहीं देगी क्योंकि रात में इसकी शक्तियाँ चरम सीमा पर होती हैं। तो क्यों हम चुड़ैल के हाथों मरने का इंतजार करें? हमें सिर्फ एक साथ सुबह का इंतजार करना है। सभी इस बात से अनजान थे, चुड़ैल उनकी बात सुन चुकी है। चुड़ैल कहती है, ये गाँव वाले मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, कल का सूरज आज की रात इन पर भारी पड़ने वाली है। चुड़ैल छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में बदलकर पूरे गांव में फैल जाती है और बर्फ की बड़ी सिल्ली पर बैठकर कहती है, सब मरोगे। घर में छुपे सभी लोग ये देख रहे थे, तभी मंगल कहता है, हरी काका, ये चुड़ैल कैलाश नगरी क्यों बना रही है? यह तमाम बर्फ के टुकड़े इस चुड़ैल के बिछाए जाल हैं। अगर गलती से हमने इसे छू लिया तो हम वहीं जम जाएंगे। गांव वाले होशियारी से काम लेते हैं और चुड़ैल के बनाए माया जाल से बच जाते हैं। कुछ देर बाद सूरज की किरणें फूट पड़ती हैं और चुड़ैल छटपटा कर कहती है, आज सूर्योदय इतनी जल्दी कैसे हो गया? मुझे इस रोशनी से बचना होगा। हमको इस चुड़ैल को इस धूप की रोशनी से भागने से रोकना होगा। सभी जन भगवान का अभिषिक्त लाल कपड़ा चुड़ैल पर फेंक देते हैं। चुड़ैल होशियारी दिखाकर बर्फ की सिल्ली में घुस जाती है। हमें इस बर्फीली चुड़ैल के इर्द गिर्द चक्कर बनाकर इस कपड़े को हटाना होगा। सूरज की रोशनी जैसे ही बर्फ पर पड़ेगी चुड़ैल की शक्तियाँ कमजोर हो जाएंगी और वो दम तोड़ देगी। वह चुड़ैल को अभिमंत्रित सिंदूर चक्र के अंदर कैद करके कपड़ा हटाते हैं, जिस कारण बर्फ तेजी से पिघलने लगती है और चुड़ैल तड़प कर कहती है, आह, छोड़ दो मुझे चुड़ैल, मुझ चुड़ैल पर तरस खाओ, ये चुपती जलती किरणें मेरे शरीर पर तेजाब के जैसे असर कर रही हैं। बर्फ के पिघलाव के साथ अंत में चुड़ैल लावे की तरह फूट पड़ती है और मरते हुए कहती है, हाय गर्मी। जिसके बाद गांव में से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते। देर रात के समय एक औरत आलू बेच रही थी। आलू ले लो, आलू
सुबह से ना बिका है एक आलू और ना बिका है एक कांदा, ऐसे कैसे चलेगा? अरे बाबा, मेरा धंधा तो बस कैसे चल पाएगा आगे? अरे इतनी रात को आलू कौन बेच रहा है, चलो मैं आलू जाकर ले ही लेता हूँ। ये बोलकर वो रवि उस औरत के पास आलू लेने चला जाता है और कहता है, अजी ये आलू क्या भाव दिए हैं? 100 के 5 किलो। अरे थोड़ा ठीक ठीक लगा लो। अरे नहीं नहीं साहब, ये आलू मैंने बहुत खून करके उगाया है, लेना है तो इतने में ले लो। क्या खून करके? मेरा मतलब मैंने बहुत खून पसीने की मेहनत से इन आलुओं को उगाया है। ऐसा बोलकर जब वो आदमी आलू ले लेता है तो वो औरत अपने चुड़ैल के रूप में आकर हंसते हुए कहती है, ले गया तू आलू तो हो जाएगा मेरा वो काम चालू। कुछ देर की बात और बस, उसके बाद तो तू गया। ऐसे ही वो अपने आलू बेचते हुए आगे बढ़ जाती है और लोगों को आलू बेच देती है। वहीं वो आदमी जब अपनी बीवी को आलू देता है तो वो कहती है, अरे रात के 2 बजे आप ये आलू कहाँ से ले आए? अरे वो घर के बाहर से एक औरत आलू बेच रही थी तो मैंने ले लिए ताकि तुम मेरे लिए नाश्ते में आलू का पराठा बना दो। हे भगवान, तुम कितने आलू के पराठे के दीवाने हो। मैं ले आई थी आलू, फिर भी ओहो रख दो इन्हें, अब सो जाओ। ऐसा बोलकर वो सो जाती है। अगले दिन जब जैस्मिन आलूओं को काटती है तो उसमें से खून निकलने लगता है। ये देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है। आवाज सुनते हुए रवि भागते हुए आता है। क्या हुआ जैस्मिन, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई, सब ठीक तो है? वो आलू, आलू में से काटने पर खून निकल रहा था, जो तुम रात को लाए थे वही आलू है। जैस्मिन की बात सुनकर रवि आलू को देखता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी वो जैस्मिन को कहता है, अरे जैस्मिन तुम बिना कैसी बातें कर रही हो, देखो कुछ भी नहीं है, आलू बिल्कुल नॉर्मल है। पर रवि सच में मैंने इन आलूओं से खून निकलता हुआ देखा था। यार चलो तुम छोड़ो, मैं खाना बना लेता हूँ। नहीं नहीं तुम जाओ, मैं कर लूंगी। ऐसा बोलकर जैस्मिन आलूओं से सब्जी बना लेती है, जिसे खाने के बाद दोनों आलू के वश में हो जाते हैं और अपने आप चलते चलते उसी चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। तभी वो चुड़ैल उनको देखकर कहती है, आओ मेरे शिकार आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, अब तुम्हें मार कर खा जाऊंगी और बचे हुए शरीर के टुकड़ों को मैं अपने आलू की खेती में डालूंगी, जिसके बाद मेरे आलू किफायती और खून भरे बन जाएंगे। ये बोलते ही वो अपने शिकार को बेरहमी के साथ मारकर खा जाती है और उनके शरीर के टुकड़े को अपने आलू की खेती में डालते हुए कहती है, आहा, इसके बाद मेरे भूतिया आलू खून से भरे मजेदार बन जाएंगे, जिसे खाकर लोग मेरी और खींचे ही चले आएंगे। इन लोगों के शरीर के टुकड़े डालने से मेरे आलू और भी ज्यादा उपजाई होने लग गए हैं। कुछ देर बाद चुड़ैल आलू बेचती है, वो लोग उसके वश में आकर उसकी तरफ आते हैं। चुड़ैल उनके साथ भी वही करती है जो उसने रवि और जैस्मिन के साथ किया था। वक्त बीतता है, चुड़ैल इसी तरह अपने भूतिया आलू बेचकर लोगों को अपने वश में करके मार डालती है। शाम के समय वो चुड़ैल फिर से आलू बेच रही थी। आलू आलू ले लो, आलू ताजा ताजा खेत वाले आलू ले लो। अरे जरा मुझे भी 2 किलो आलू देना, मुझे अपने पति के लिए दम आलू बनाने हैं। हाँ हाँ ले लो आलू, फिर जब तेरा और तेरे पति का दम निकलेगा ना आलू खाने के बाद, वो तो तू सोच भी नहीं सकती। क्या क्या बोला तुमने? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, ये लीजिए और बना लीजिए आज रात को अपना दम आलू। इस तरह घर जाकर अपने पति के लिए दम आलू बनाती है और उसे चख लेती है, जिसे खाने के बाद वो उसके वश में आ जाती है। तभी उसका पति विपिन उससे कहता है, अरे कमला मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है तुमने मेरे लिए दम आलू बनाया है। सुनो तो, अरे कहाँ जा रही हो, मुझे दम आलू तो खिलाती जाओ। अरे जा कहाँ रही हो? अरे ओहो मुझे इसका पीछा करना होगा। विपिन अपनी पत्नी को खूब आवाज लगाता है मगर वो सुनती नहीं और उसका वो पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए वो एक ऐसी गुफा में पहुंच जाता है जहां एक चुड़ैल काफी लोगों को बेरहमी के साथ मार रही थी। तभी कमला के आने पर वो चुड़ैल से कहती है, क्यों रे आ गई तू अपने पति को दम आलू खिलाकर? ओहो तू अकेली आई है,
इसका मतलब तूने खुद ही वो दम आलू खा लिए। तूने मुझसे झूठ बोला, अपने पति को भी खिलाना था ना। बेचारे मेरे भूतिया आलू तेरे पति से मिल भी नहीं पाए। इसका मतलब इसने अपने भूतिया आलू खिलाकर सभी लोगों को वश में कर रखा है, और इसीलिए कमला मेरी आवाज नहीं सुन पा रही थी। अभी जाकर उस चुड़ैल का खेल खत्म करता हूँ। विपिन ताओ में आकर उस चुड़ैल के पास आ जाता है और कहता है, ए भूतिया आलू वाली चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने इन सब मासूम लोगों को और मेरी पत्नी को भी यहाँ अपने वश में कर रखा है। मैं कहता हूँ छोड़ इन्हें। अच्छा, तो तू इसी का पति है, और तुझे पता कैसे चली ये गुफा? ओहो, लगता है तूने अभी अभी मेरी सारी बातें सुन ली। हाँ सुन लिया मैंने। क्यों तू लोगों को मारे जा रही है? आखिर क्या मकसद है तेरा इन लोगों को मारने का? मकसद तो मेरा यही है कि भूतिया आलू खिलाकर सबको मार डालूं और अपनी मौत का बदला ले लूं। आखिर तेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जो तू लोगों से बदला ले रही है? बता मुझे, वरना मेरे हाथ में जो गंगा जल है उससे तुझे जला डालूंगा। बताती हूँ, मुझ पर वो गंगा जल मत डालना। 2 महीने पहले की बात है, मैं अपना गुजारा आलू की खेती करके किया करती थी। आसपास के किसान लोग मुझसे चला करते थे क्योंकि उनकी मिट्टी उपजाऊ नहीं थी। ऐसे ही एक रात उन्होंने मेरी आलू की खेती में कीटनाशक जहरीली दवाई डाल दी, जिससे मेरी आलू की खेती बर्बाद हो गई। इस बात को मैंने उनसे जाकर शिकायत की तो वो बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुमने अपनी आँखों से देखा है कि हमने तुम्हारा खेत बर्बाद किया है? देखा नहीं है, लेकिन यकीन पूरा पूरा है। आपकी वजह से मेरी रोजी रोटी, मेरी मेहनत और आलू की खेती बर्बाद हो गई। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर शीतल जैसे ही हाथ उठाती है, वो किसान उसको मार डालता है और उसके टुकड़े करके उसके आलू की खेती में डाल देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल बनकर अपने भूतिया आलू की खेती से आलू बेचकर लोगों को मार कर उनसे बदला लेती है। बस तब से ही मैं लोगों को मारती हूँ। बंद करो लोगों को मारना। अच्छा, तो इसकी जान उस आलू की खेती में बसी है। इसकी आलू की खेती को जला कर ही मैं इसे खत्म कर दूंगा, जिसके बाद कमला इसके वश से बाहर आ जाएगी और बाकी लोग भी। ऐसा कहकर विपिन गुफा से बाहर आलू की खेती में आ जाता है और आसपास के सूखे पत्तों को जमा करता है और पत्थर ढूंढता है। तभी चुड़ैल कहती है, ए, तू क्या कर रहा है? बता मुझे। तेरा क्रियाकर्म कर रहा हूँ। ये बोलते ही विपिन जमीन से 2 पत्थर उठाकर रगड़ता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन पत्थरों में से चिंगारी नहीं निकलती। तभी चुड़ैल उसे मारने आती है कि इतने में विपिन के पत्थरों से चिंगारी निकलती है और वो उसके भूतिया आलू की खेती में आग लगा देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल जलकर मर जाती है और लोग बिना खौफ के रहने लगते हैं। भूतिया जोमेटो वाला। रोहन टीवी देख रहा था, तभी टीवी पर खाने के एड्स देखकर वो कहता है, ओहो यार, बहुत भूख लग रही है। खाना तो मुझसे बनेगा नहीं, एक काम करता हूँ, जल्दी से जोमेटो पर ऑर्डर कर लेता हूँ, खाना जल्दी आ जाएगा। रोहन ये बोलती ही अपने फोन से जोमेटो पर खाना ऑर्डर कर देता है, जिसके कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय आ जाता है और कहता है, यस सर, योर ऑर्डर। टाइम देखना जरा, कितने बजे ऑर्डर किया था और तुम आधे घंटे के बाद आए हो, ऐसी सर्विस होती है क्या? सर 10 मिनट ही लेट हुआ हूँ, ट्रैफिक जाम लग रहा था। तो मेरी गलती है, मैं पैसे नहीं दूंगा, ऑर्डर लेट लाए हो तुम। सर प्लीज, सर ऐसे मत कीजिए, अगर मुझे ऑर्डर के पैसे नहीं मिले तो मेरे बॉस गुस्सा होंगे। सर प्लीज पेमेंट कर दीजिए। लगता है तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। ऐसा कहकर रोहन और जोमेटो वाले आदमी को धक्का मार देता है, जिसके बाद वो जोमेटो वाला आदमी जैसे ही खड़ा होता है तो उसके हाथ में लंबी लंबी नाखून, सफेद आंखें और डरावनी शक्ल बन जाती है, जो कि भूत की होती है। फिर उसका गला पकड़कर वो कहता है, तुम लोगों से इसीलिए नफरत होती है, तूने मुझे धक्का दिया ना, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू जानता नहीं मैं हूँ कौन? मैं हूँ भूतिया जोमेटो वाला। भूत, तुम जोमेटो वाले भूत, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपसे मैं पैसे दे दिया करूंगा, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मुझे छोड़ दो। अब तुम मरेगा ही, तुम मेरी तरह दूसरों के साथ भी ऐसी बदसलूकी करता होगा, इसलिए अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। ये बोलते ही भूतिया जोमेटो वाला रोहन को मार डालता है
और अपनी जोमेटो बाइक पर बैठकर दूसरों को डिलीवरी करने चला जाता है। ऐसे ही रास्ते में जाते वक्त उसकी नजर किसी जोमेटो वाले पर पड़ती है, जो कि सामने वाला इंसान उस पर हाथ उठाता है। तभी जोमेटो वाला भूत आकर उसका हाथ रोक कर कहता है, क्यों इस पर हाथ उठा रहे हो? आखिर गलती ही क्या है इसकी? अरे तुम बीच में पड़ने वाले कौन होते हो? और वैसे भी ये जोमेटो वाला मेरा गलत ऑर्डर लेकर आया है। साहब, मैं सही ऑर्डर लेकर आया हूँ, लेकिन आपने कुछ मिनट पहले ऑर्डर चेंज कर दिया। इसमें मेरी गलती नहीं है ना, मुझे इसका नोटिफिकेशन मिला। मैं आपका पहले का ऑर्डर को लेकर निकल चुका था उसी वक्त। अच्छा, अब मुझसे जुबान लड़ाओगे? मतलब क्या है तुम्हारा, ये मेरी गलती है? ये बोलते ही वो आदमी जोमेटो वाले का कॉलर पकड़ कर खींचता है। तभी जोमेटो वाला अपने भूतिया रूप में आकर उस आदमी को मारता है और कहता है, जब तुम लोगों को खाना ऑर्डर करने की तमीज ही नहीं है तो ऑर्डर ही क्यों करते हो? दो मिनट पहले ऑर्डर करके तूने चेंज कराया, फिर उसको मारा भी। कोई जोमेटो डिलीवरी बॉय के साथ ऐसी बदतमीजी करे ये मुझे पसंद नहीं है। और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें इससे डर नहीं लग रहा? ये भूत है। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, उसको तो मैं जान से मार डालूंगा, फिर कभी आगे से किसी के साथ बदसलूकी नहीं करेगा। ये बोलते ही भूतिया जोमेटो वाला उस इंसान को बेरहमी के साथ मार डालता है और कहता है, तुम डरो मत, अगर कभी भी हम जोमेटो वाले के साथ किसी ने भी बदतमीजी की या हमें नौकरों की तरह दुत्कारा तो मैं उसे मार डालूंगा। तुम डरना मत, मेरी कभी भी जरूरत हो तो मुझे तुम बुला लेना, मैं तुम्हारे सोचने पर ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। शुक्रिया भाई, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। पता नहीं क्यों ये हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। मेरा एक दोस्त और है, उसके साथ भी यही सब होता है। अगर खाना जरा सा भी लेट हो जाए तो ये लोग हमें जलील तो करते ही हैं, साथ में पैसे भी नहीं देते, और वो पैसे फिर हमें अपनी सैलरी से कटवाने पड़ते हैं। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, घर का खर्चा तो हमें ही चलाना है ना। मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी यही सब हुआ था, उसी के बाद मैं भूत बन गया। पर क्यों? अरे तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था? मैं बताता हूँ, कुछ महीने पहले की बात है, मैं कबीर भेज जोमेटो में काम करता था। मैं वहाँ काम करके थक चुका था, क्योंकि लोग जलील करने लग गए थे। जरा से भी देरी होती तो चिल्लाया करते थे। जॉब भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि घर के हालात ऐसे थे कि पैसों की बहुत तंगी थी। मजबूरी इतनी कि जॉब छोड़ नहीं सकता था और ना ही कर सकता था। फिर एक दिन मैंने रात में सर्विस करना शुरू कर दिया, और ऐसे ही एक रात जब मैं पहुंचा तो उस औरत को ऑर्डर देकर मैंने कहा, मैम ये आपका ऑर्डर और ये बिल। ये क्या है, मैंने तो 400 का ऑर्डर किया था और ये 500 आ रहे हैं, किस बात के हैं ये? मैम ये आपका एड्रेस दूर था तो डिलीवरी चार्जेस हैं, प्लस GST और एक्स्ट्रा चार्ज है, आपका बिल इतना ही बना है। What you mean by कि बिल इतने का है? मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, बेवकूफ बना रखा है बिल्कुल। मैम प्लीज ऐसे मत कीजिए, आप पूरी पेमेंट कर दीजिए, मुझे कहीं और भी जाना है डिलीवरी करने। मेरी एक बात समझ नहीं आती तुम्हें? मैं पेमेंट नहीं करूंगी, जाओ जो करना है कर लो, और ऑर्डर भी तुमसे लूंगी। अगर पैसे नहीं मिले तो बॉस नौकरी से निकाल देगा, इस बार दोबारा कोशिश करता हूँ। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं पेमेंट लिए बिना नहीं जाऊंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी तेरा चप्पलों से भूत उतारती हूँ। वो औरत मानती नहीं है और मासूम जोमेटो वाले को चप्पलों से मारने लगती है और उसे अपशब्द बोलती है। आसपास के लोग जोमेटो वाले को देखने लगते हैं और शर्मिंदगी से जोमेटो वाला वापस चला जाता है। बाइक चलाते समय उसके मन में उस औरत की चुभने वाली बातें और घर की टेंशन घूम रही थी, जिसकी वजह से वो अपने सामने आता बड़ा ट्रक भी नहीं देखता, और वो ट्रक जोमेटो वाले पर ट्रक चढ़ाकर उसकी जान ले लेता है। बस तब से ही मैं भूत बनकर भटक रहा हूँ और बदले की आग में जल रहा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ भी वही सब होता हुआ देखा, इसलिए मैंने उसे मार डाला। जो भी हमारे साथ ऐसा करता है मैं उसे मार डालता हूँ। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है,
पर पता नहीं हम जोमेटो डिलीवरी वाले बॉय को कब इंसाफ मिलेगा, कब ये लोग इंसानियत की तरह हमसे बातें करेंगे। अब मुझे जाना होगा, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया। ये बोलकर वो जोमेटो बॉय चला जाता है और कबीर भी किसी और घर में फूड डिलीवरी करने के लिए चला जाता है, जहाँ एक आंटी दरवाजा खोलती है और भूतिया जोमेटो वाला कहता है, दादी ये लीजिए आपका ऑर्डर आ गया। शुक्रिया बेटा, अंदर आओ ना, पानी पी लो, बहुत थके हुए लग रहे हो तुम। पर दादी मैं एक घंटा लेट आया हूँ, आप मुझे डांटने की जगह पानी पिला रही हैं, आखिर क्यों? तो क्या हो गया बेटा, लेट हो ही जाता है, कौन सा तुमने कोई गुनाह कर दिया। वैसे आज मेरे पोते का जन्मदिन है, तुम अंदर आओ। गुनाह तो नहीं किया है, पर लोग हम जैसे जोमेटो वाले बॉय के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। आप जानती नहीं हैं, मैं एक भूतिया जोमेटो वाला हूँ जो लोगों को मार देता है, तब भी आप मुझे कुछ नहीं कहेंगी? नहीं बेटा, क्योंकि तुम्हारी तरह मेरा बेटा भी जोमेटो में काम करता था, उसके साथ वही हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ। तो फिर आप इन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? मैं भी लोगों से बहुत नफरत करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये इंसानियत की तरह सबसे पेश आए। तुम सही कहते हो बेटा, और मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए कल ही पूरे शहर में हर अखबार के पन्ने में तुम्हारे लिए आवाज उठाऊंगी, और देखना लोगों में बदलाव जरूर आएगा, ये मेरा तुमसे वादा है बेटा। उस बुढ़िया की बात सुनकर वो भूतिया जोमेटो वाला चला जाता है, और अगले दिन ही अखबार में जोमेटो वालों के साथ इंसानियत से पेश आने की खबर पढ़कर हर व्यक्ति बदल जाता है।